जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, और मुख्यमंत्री जी ने पहल की है कि 18 साल से 27 साल तक ऐसे बच्चों को जो भी वो प्रशिक्षण लेना चाहे, ट्रेनिंग करना चाहे, पढ़ाई करना चाहे, सरकार जो है प्रदेश सरकार उनका पूरा खर्च वहन करेगी और उनको जो है जो सरकार के विभागों में या उनको जो है वो एडजस्ट करने के लिए, नौकरियों में एडजस्ट करने के लिए, अपना काम धंधा करने के लिए उनकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई सुखाश्रय योजना के तहत 18 से 27 वर्ष की आयु वाले सभी अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च इसी योजना के तहत वहन किया जाएगा। मंडी जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में जिला भर से आए संबंधित विभागों के 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नगर निगम मंडी के नेलावाड़ के पार्षद राजेंद्र मोहन ने बतौर रिसोर्स पर्सन इस कार्यशाला में भाग लिया। वही हमें एक अच्छा काउंसलर वो होता है जो इफेक्टिव या एक्टिव लिसनर लगते हैं, अपना लेक्चर डिलीवर करने लगते हैं, अपना भाषण देने लगते हैं, उसको बोलते हैं वन वे मोनोलॉग प्लेटफॉर्म, एक तरफा। बस जो अभी हो रही है बात ना, आपको अभी मौका नहीं दिया जा रहा कि कोई फीलिंग आप सुनना है उसको। जिस बच्चे को आप सुनेंगे जो कहा, टाइम तो यूं ही है, बोलने दो उसको जो करना है, कैसे बच्चे को कहां बोलना, जो कहा के ओपन एंडेड क्वेश्चन करना। जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, और मुख्यमंत्री जी ने पहल की है कि 18 साल से 27 साल तक ऐसे बच्चों को जो भी वो प्रशिक्षण लेना चाहे, ट्रेनिंग करना चाहे, पढ़ाई करना चाहे, सरकार जो है प्रदेश सरकार उनका पूरा खर्च वहन करेगी और उनको जो है जो सरकार के विभागों में या उनको जो है वो एडजस्ट करने के लिए, नौकरियों में एडजस्ट करने के लिए, अपना काम धंधा करने के लिए उनकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। और यह योजना जो है ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह की एक योजना है, क्योंकि पहले जब 18 साल का बच्चा हो जाता था, वो किसी बाल आश्रम में रहता था, उसको वहाँ से निकलना पड़ता था। लेकिन मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी ने पहल की है और इस ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनको 18 वर्ष से लेकर के 27 साल तक जो भी वो प्रशिक्षण लेना चाहे, ट्रेनिंग करना चाहे, पढ़ाई करना चाहे, जिस भी स्तर तक वो पढ़ना चाहे, सरकार उनकी पूरी पूरी जो है वो सहायता करेगी। कार्यशाला में 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जिन्हें मिशन वात्सल्य के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। जिला भर में 479 बच्चे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें सरकार की सुखाश्रय योजना का लाभ मिलेगा। इस वर्कशॉप में जो टॉपिक आज कवर किए जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, एक हमारा मिशन वात्सल्य है, उसके विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स दे आर बीइंग कवर्ड, और हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी कैसे हो, उन बच्चों के साथ हम किस तरीके से जो है काउंसलिंग टेक्निक अप्लाई करते हुए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनको हम दिलवा पाएँ, या वो किस तरीके से हमसे वो सारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आगे आएँ, उसको लेकर के बातचीत हो रही है। और लीडरशिप क्वालिटी हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं इनके अंदर किस तरीके से जो है डेवलप की जाए, और कैसे जो है वो जो कठिन काम कोई भी अभियान है या कोई भी वेलफेयर स्कीम है जो शुरू में कठिन लगता है, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, उसको कैसे आसान बनाया जाए, उसको लेकर के ही ये बातचीत है।